हाय, मेरा नाम निधि झा है और मैं कॉमेडी रील्स बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा भी हंसा सकूँ। आजकल हंसने के लिए भी पैसे लगते हैं, दिख ही रहा है आपको। कोई नहीं, आज मैं आप लोगों को ना कुछ सुनाना चाहती हूँ। भूल भी जाती हूँ क्या क्या बोलना है, खैर जो भी है। आज मैं बात करने वाली हूँ शिक्षा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता होती है। ज्ञान शिक्षा बोरिंग लगता है सुन के, पर मैं बताना चाहती हूँ कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता है, शिक्षा कभी गलत नहीं जाती है, और शिक्षा में गलत सिखाते भी नहीं है। एक छोटी सी कहानी है महाभारत से, मैंने सुनी है, लौकिक भाषा में ही सुनी है मैंने, बोलचाल की भाषा में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, पांडव और कौरव ये गुरुकुल से शिक्षा लेके जब अपने राज्य में आए, तो उस समय धृतराष्ट्र राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि अब जब आ गए हैं बच्चे, तो इनको क्या शिक्षा मिली है, किस तरह का ज्ञान लेके आए हैं, तो इनका थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए। तो विस्मिताओं ने भी यहाँ के दिया, हाँ है, ज़रूरी है। तो ऐसे हुआ, राष्ट्र एक सभा लगी, तो सभा में सब आए, पांचों पांडव भी आए, कौरव भी आए, और दुर्योधन उनके मेन जो सरदार हैं वो भी आए। तो बैठे हुए थे सभा में, एक केस आया, ये जो चार लोगों को कैदी बना के लाया गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और कहा कि इन्होंने एक खून किया है, मर्डर किया है, इनको क्या सजा दी जाएगी महाराज। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि चलो आज अच्छा है, मौका है, आज ही इनका टेस्ट लिया जाए, आज ही इनका टेस्ट लिया जाए। तो फिर बुलाया गया, बोला बताओ क्या क्या है। इन्होंने, सर महाराज इन्होंने मर्डर किया है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, ये मैं अपने पुत्र को और क्या कहते हैं भतीजे लोगों को मैं इनका डिसीजन लेने का आदेश देता हूँ। तो सबसे पहले कौरवों से पूछा गया, कौरवों में दुर्योधन से पूछा गया कि तुम क्या न्याय देना चाहते हो इन चारों को। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इन्होंने खून किया है, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और क्या, खून तो सबसे बड़ा अपराध होता है, किसी का खून करना। तो ठीक है, तो दुर्योधन ने कहा फांसी की सजा, तो फिर उधर से भीष्म ने कहा अच्छा ठीक है, आपकी बात भी रखी जाएगी, अब थोड़ा सा युधिष्ठिर से पूछ लिया जाए कि उनका की उनकी क्या राय परामर्श है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं थोड़ा सा इन चारों कैदियों से बात करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है कीजिए आप। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए आपका वर्ण क्या है, उन्होंने जाति नहीं पूछी, वर्ण पूछा। उन्होंने बताया, पहले ने बताया मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे ने कहा मैं राजपूत हूँ, तीसरे ने कहा मैं शूद्र हूँ, चौथे ने कहा मैं कायस्थ हूँ। तो ठीक है, इनके बारे में ये इतना जान लिया, बस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट समय दीजिए, मैं पता करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या राय बता दे सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ। 5 मिनट बाद उन्होंने सभा में कहा कि इनमें ब्राह्मण जो हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। पूरे सभा में हाहाकार मच गई, ब्राह्मण क्योंकि फांसी की सजा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में, ग्रंथ में या कहीं भी ये लिखा रहता है कि ब्राह्मण बुद्धिमान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो ना भी पढ़े हैं उनको ज्ञान होता है, वो समझदार होते हैं, वो गलत नहीं करते हैं, वो गलत करने नहीं देते हैं, वो गलत शिक्षा नहीं देते हैं, ये हम लोगों को सिखाया गया है। तो जब इन चारों में एक ब्राह्मण भी है, तो इनके सामने अगर किसी का खून हो रहा है, अगर ये मना नहीं कर रहे हैं, तो साथ भी दे रहे हैं उनका, तो सबसे बड़े अपराधी तो ये हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इनको ही सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती की है। अगर ये चाहते तो हो सकता है ये खून नहीं करते, वो अच्छे मार्क पे ले जाते इन तीनों को। तो इन तीनों, तो फिर विष्णुपिता तो कितने ब्राह्मण को सजा मिलनी चाहिए, इन तीनों को नहीं? तो बोला नहीं, इनको भी, जो जो राजपूत है उनको आजीवन कारावास दी जाए, और जो कैश थे जो शुद्ध है उनको 10-10 साल की सजा दी जाएगी। एक उदाहरण होगा कि जो जिस तरह के हैं, जिनको जो ज्ञान मिला है उनको उस तरह की सजा मिलनी चाहिए, उस तरह का उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो। तो मुझे लगा कि इससे ये सीख मिलती है कि शिक्षा का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और शिक्षा हमें कभी दुरुपयोग करना नहीं सिखाती है, वो हमें अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान सिखाती है। पर हम लोग ना इतना नहीं सोचते हैं, कर लेते हैं, बाद में फिर जब पछताना होता है तो पछता लेते हैं, जो होना होता तभी होता है।
खैर मुझे तो ये शिक्षा मिली है कि अपने से बड़ों का या फिर जो हमने पढ़ी है, जो हमें सोसाइटी सिखाती है, उसका जरूर अनुसरण करना चाहिए। और अगर कहीं भी गलती हो रहा हो तो उसे अगर हो सके, हमसे संभव हो तो उसे बंद करें या तो उसमें सहयोग ना करें। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस।